हैं। आज पिज़्ज़ा हमने ढेर सारा नमक। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल मम्मा लव डॉटर में। तो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं घर पे नमक कैसे पीसती हूँ। और थोड़ा सा नहीं पीसूँगी, ढेर सारा नमक पीसूँगी, और आप लोगों को भी बताती हूँ मैं नमक कैसे पीसती हूँ और उसमें क्या क्या मिलाती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ और देखते रहिए मेरे मैं नमक कैसे पीसती। नमक बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा जो भांग होती है उसे चूल्हे में हल्का सा भून लेंगे, और थोड़ी देर भूनने के बाद इसे हम निकाल देंगे। भांग के भुन जाने के बाद इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा जीरा भूनेंगे और इसे भी निकाल देंगे। और उसके बाद हम नमक और हल्दी को बारीक मिक्सी में पीस लेंगे और एक बर्तन में डाल देंगे। भांग और जीरा ठंडा होने के बाद इसे भी हम मिक्सी में पीस लेंगे, और उसके बाद उसे भी नमक वाले बर्तन में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। नमक, जीरा, भांग पीसने के बाद अब हम हरी मिर्च, हरा धनिया, हरी लहसुन की पत्तियां और लहसुन की कलियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, और उसके बाद इसे भी मिक्सी जार में हम डाल देंगे। तो मिर्च ज़्यादा है तो इसलिए हम इसे दो बार पीसेंगे। और ये देखिए, हमने इसे काफ़ी दरदरा पीसा है, बारीक नहीं पीसना है इसको। और फिर उसी बर्तन में हम ये पेस्ट भी डाल देंगे। तो ये काफ़ी तीखा नमक होने वाला है और काफ़ी टेस्टी भी, टेस्ट भी आ जाएगा इसमें। तो आप देख सकते हैं ये नमक, अभी इसे हम हल्का बहुत मिक्स कर रहे हैं, लेकिन बाद में इसे काफ़ी हाथों से मसल कर मिक्स करेंगे। और जो बचा हुआ मिर्च लहसुन का पेस्ट है उसे भी हम पीस कर फिर इसमें ही डाल देंगे। और उसके बाद लास्ट में सबको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही। और ये देख सकते हैं नमक कितना सारा बन चुका है, और ये हमारा ढेर सारा नमक रेडी हो चुका है। अब इसे आप पराठों में यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी फ्रूट्स में यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी लंबा चलेगा। इसे हम कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं।